on the stage, let it go as an inspiration to people, right? Because मैं ये use करती हूँ ना, मुझे धूप मिलता नहीं है. मैं जब पूजा करती हूँ तो धूप नहीं मिलता है. मुझे अगरबत्ती जलाना पसंद नहीं है, तो मुझे धूप चाहिए. तो मैं मेरा धूप चेन्नई से मंगवाती हूँ. ये दे दो ना मुझे. आपने उसका क्या किया? तो नवीन सर ने बोला था. बिल्कुल मैम, ये चेंज कर रहे हैं. क्या किया? कौन सा मैम ट्राई कर रहे हैं और उसमें नई चीज़ें डालने की. नहीं, वो जो जो सर बोल रहे हैं उसको चेंज कर रहे हैं. बट उसको भी रखेंगे मार्केट तो साथ में. ऐसा तो क्या, हम लोग एग्जॉटिक को क्यों रख रहे हो? एग्जॉटिक को क्यों रख रहे हो सर? मना किया. आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट डूइंग समथिंग विच कैन बी सोल्ड. जो बिक सकता है. आप कौन है जी? इंस्पेक्टर फिशिंग. आप बताइए, जो आपका वहाँ पर हमारा फिश फार्म है, वो क्या क्या हो सकता है? उसमें क्या चीज़ हम ऐसी उगाए जो लोग उसको खरीदें? कितने की बिकेगी? तो हमने वहाँ क्यों नहीं लगाई? वहाँ तो आपके पास 5 फॉर्म से काम. अरे वो छोड़ दो ना, अभी तो आपकी पॉलिसी चेंज हो गई है. ना कर नहीं रहे हैं. कब आए थे नवीन सर? तो आज 15 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ. तो ट्राई करके उसको करवाओ, देन कॉल मी, फिर आप मुझे बुलाएंगे. बढ़िया से फोटो उठा ना, वही है. चरी वरी नहीं है यार, ये खाद है. खाद, देसी खाद. देसी खाद. ठीक है जी. अंजीत जी, अंजीत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों. मैं हूं जी शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है. किसान एग्जीबिशन, एग्रीकल्चर एग्जीबिशन व कम किसान मेले का आयोजन आज रियासी के सिला में किया गया है और इस समय जिला विकास आयुक्त भी यहां पे पहुंची हैं और जो डिफरेंट यहां पे स्टॉल्स लगाए गए हैं उनकी इंस्पेक्शन वो कर रही हैं, जानकारी ले रही हैं.
और इस समय हमारे साथ फिशरी विभाग के अधिकारी हैं। इन्होंने इनके द्वारा भी यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है और कुछ फिश भी यहाँ पे रखी गई हैं। सर क्या स्टॉल है आपकी तरफ से, क्या दर्शाने की कोशिश की है? हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जो मछली पालन है कि बहुत ही अच्छा काम है, एक ऐसा काम है जिसमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई ज़मींदार भाई अगर कोई खेती बाड़ी कर रहा है या कोई डेयरी फार्म जिसने लगाया है या पोल्ट्री फार्म है, तो अगर ये छोटा सा तालाब अपने इस काम के साथ बना ले तो उसकी आमदन जो है वो बढ़ सकती है। मछली जो है वो गोबर जो है अगर आप तालाब में डालोगे तो उसको यूटिलाइज करती है। मछली गोबर नहीं खाती है, मगर उसके अंदर जो जीवाणु तैयार होते हैं मछली वो खाती है। तो इसके साथ साथ एक तो उसका वेस्ट जो है अपने गोबर वगैरह का वो यूज़ हो रहा है और साथ ही साथ मछली की पैदावार भी बढ़ रही है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो ज़मीनें जो हैं वो कम हो रही हैं, तो ज़मीनें कम होने से लोगों को इस तरह का फार्मिंग अपनानी चाहिए कि मतलब उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, उसको इंटीग्रेट करना चाहिए बाकी चीज़ों के साथ, और मछली पालन एक बहुत अच्छा काम है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास 3 कनाल 2.5 से 3 कनाल के करीब जगह है और एक पानी का उत्तम सोर्स है, तो आप हमारे महकमे से कॉन्टैक्ट करिए। और हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं। तालाब बनाने की स्कीम है जिसमें हम लोग 1,26,000 की जो है वो यूनिट कॉस्ट है, और उसमें हम 40% जो है वो जनरल कैटेगरी को सब्सिडी देते हैं लगभग 50,000, और 60% जो है वो शूट कास्ट लोगों के लिए सब्सिडी है। तो यहाँ पे क्या दर्शाने की कोशिश की है? ये हम लोग फार्मर्स को जो है वो हम लोग सीड जो देते हैं ना, जो हम फिंगरलिंग जिसको हम बोलते हैं, ये हम लोग फार्मर्स को सीड देते हैं। और ये हमारे जो किसान भाई मछली पालन का काम करते हैं उसको अपने तालाब में डाल के, तो लगभग कोई 1 साल के करीब ये 1 किलो के करीब ये मछली बन जाती है। उसको खुराक देनी पड़ती है, खल पत्री बुगदू वगैरह, तो वो खुराक खाने के बाद मछली कोई 8 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में 1 किलो हो जाती है और वो सेल के लायक बन जाती है। जब आप लोगों को समझाते हैं, जागरूक करते हैं इसके प्रति, तो क्या रुझान देखने को मिलता है लोगों को या कम इंटरेस्ट दिखाते हैं? नहीं, लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, मगर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर रिलीजियस सेंटीमेंट्स हैं कि लोग कहते हैं कि मछली पालन का काम नहीं करना। मैंने ये देखा है कुछ एरियाज रियासी के हैं। दूसरा है कि लोगों के पास अगर जिसके पास ज़मीन है तो वहाँ पानी का सोर्स नहीं है, जिसके पास पानी का सोर्स है तो उसके पास 2.5 से 3 कनाल जगह नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर किसी के पास 2.5 से 3 कनाल जगह है और साथ में पानी का सोर्स है तो वो ज़रूर इस काम को अपनाए। महकमा इसमें आपको बहुत अच्छी सब्सिडी कंपोनेंट जो है वो दे रहा है। जिला विकास आयुक्त भी यहाँ पहुँचे थे, स्टॉल को देखा, क्या कहा उन्होंने? हाँ, मैडम ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। मैडम ने भी कहा कि इस तरह की और भी जो है तालाब जो है वो रियासी में लगाए जाएँ और जगह को आइडेंटिफाई किया जाए और वहाँ पर इस काम को शुरू किया जाए। हम देखते हैं सर कि पहाड़ी एरिया में जागरूकता कैंप कम होते हैं। कुछ लोगों से भी हमने बात की कि वो कहते हैं कि इस तरह के जो विभाग हैं वो हमें पता ही नहीं है कि ये भी विभाग हैं, तो दूर दराज के इलाकों में कैंप क्यों नहीं किए जाते? नहीं, हम लोग कैंप तो रेगुलरली करते हैं, जैसे बैक टू विलेज में हर जगह हमारे जो है मुलाजिम जो है वहाँ पे गए हैं, हमारे डिपार्टमेंट के एम्प्लाइज वहाँ पे गए हैं और लोगों को हमने बहुत अवेयर किया है इस बारे में। तो लोग हमारे पास आते भी हैं जिससे पता चलता है कि लोगों तक ये बात जा रही है। ठीक है, अगर आगे किसी को अपने एरिया में कैंप करवाना है तो वो हमारे से मिलिए, हम जरूर वहाँ पे आएंगे और वहाँ पे कैंप करवाएंगे। जी, शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। तो जिसको भी कैंप करवाना है वो इनसे संपर्क करिए और फिशरी विभाग जो है वो जरूर उनके इलाके में कैंप करने की कोशिश करेगा। मछली पालन एक अच्छा व्यवसाय है, ये भी कहना था जो फिशरी विभाग के अधिकारी है उनका। तो जिला विकास आयुक्त रियासी जो है लगातार इंस्पेक्शन कर रही हैं, तमाम जो स्टॉल यहाँ पे किसान मेले में लगाए गए हैं, एग्रीकल्चर एग्जीबिशन यहाँ पे लगाया गया है रियासी के सीला इलाके में, और जिला विकास आयुक्त जो हैं वो तमाम स्टॉल्स का निरीक्षण कर रही है। Thank you.
क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शिवानी। शिवानी, शिवानी का नाम आप प्लीज डाल देना मीडिया में। मुझे और कुछ सैंपल्स होंगे तो ऑफिस में दिखाओ। शाबाश शिवानी, शाबाश मेरा बच्चा। ये बेच दोगी क्या रखोगी चंद्रमुखी? बेच दो आज, बेच दो। सुंदर है ये, ये सुंदर है। सुंदर है ये, सुंदर है। सारे अपने अपने सारे साइड पर थोड़ा छोड़ो ना, देखने थोड़ा छोड़ो सारे। Okay.
ये हमारा अंडा है किधर का हमारा सैंपल आया है। मुझे तो बताया गया था साइज छोटा। ना 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 मैडम, ये वैरायटी है ना, हाइब्रिड वैरायटी है। और ये जो मशरूम हमारे, ये मैडम इधर से भी छोटा चाहिए, हमारे मेज फार्मर से। चलो जी, चलो साइड हो जी। मेरे में है सारा ऑर्गेनिक। ये एलोवेरा भी लोगों ने अब अपने चलो लगा रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट बन रहा है यहाँ पर। मुझे हमारा कंसेप्ट बन रहा है। I miss all.
किसान मेले का आज आयोजन किया गया है रियासी के सिला में, किस किस विभाग द्वारा यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है और क्या क्या दर्शाया गया? ये पूरा का पूरा जो है हमारा फार्मिंग वेलफेयर डिपार्टमेंट है, फार्म वेलफेयर, जिसमें कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, और किसानों ने अपने भी बहुत सारे जो हैं वो बहुत सारे पीसेज ऑर्गेनिक, और ये जानते हुए और आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में एक सुओ मोटो ऑर्गेनिक फार्मिंग का चलन है। इसमें कोई कंट्रीब्यूशन हमारा नहीं है, आम ही लोग जो है फर्टिलाइजर्स का और यूरिया वगैरह का कम इस्तेमाल करते हैं, तो वो वाली बहुत सारी सब्जियां, बहुत बड़ी बढ़िया सैंपल्स जो हैं एक कंपटीशन की शक्ल में यहां पर प्रदर्शित है। मैम एक सवाल निकल कर सामने आता है कि रियासी जिले के जो दूर दराज के इलाके होते हैं वहां पर ये तमाम विभाग नहीं पहुंचते हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ विभागों का उन्हें पता ही नहीं है, जैसे फिशरी विभाग हो गया, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर हो गया, ये विभाग वो जानते भी नहीं है। देखिए कई विभाग टेक्निकल हैं, तो जरूरी नहीं है सेरिकल्चर का सब जगह पहुंचना, उसको एक टेम्परेचर की जरूरत है, उसको एक किस्म की सॉइल की जरूरत है, तो जो एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तो सब जगह पहुंचा है। हमने एक सर्वे में भी इनको फर्स्ट उसमें लाया था, बिकॉज ये इनकी प्रेजेंस सब जगह है। रहा हॉर्टिकल्चर का सवाल, आई अग्री टू पार्शली कि हॉर्टिकल्चर के ऑफिसर्स और अंदर जा सकते हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर काम किया जा सकता है। सेरिकल्चर का मैं नहीं मानती सब जगह उसकी जरूरत है। फ्लोरिकल्चर भी एक विभाग है, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर की भी देखिए, अब आपने ये सवाल किया तो मैं ये बता दूं, बहुत सारे किसान फ्लोरिकल्चर के लिए इंटरेस्टेड नहीं, बहुत मुश्किल है उनको समझाना कि फूलों से, फूलों की खेती भी की जा सकती है, उसको भी बेचा जा सकता है, ये समझाना। तो जो व्हाट क्वेश्चन यू आस्क्ड, आई कैन मॉडिफाई दैट। मैं ये अपील सभी फार्मर से करती हूँ कि आप अगर अपने एग्रीकल्चर में सिर्फ गेहूं और चावल लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, मगर 2021 में ये लगाएंगे तो गरीबी फेस करेंगे और कुछ नहीं। अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करिए, हमारे पास आइए, हम लोग मतलब आई थिंक हम लोग बहुत एक्सेसिबल हैं, हमारे पास आके बोलो कि मैं फूलों की खेती करना चाहता हूँ, मजा ले कोई ना जाए वहाँ पे, आई विल मॉनिटर दैट ही गोज। सो माई पॉइंट इज कि किसानों का भी बहुत बड़ा फर्ज है अपनी एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लगाओ जो कि बिके। शुक्रिया, थैंक यू। तो एग्रीकल्चर एग्जीबिशन कम किसान मेले का आयोजन आज रियासी के सिला में किया गया है, जिला विकास आयुक्त उनसे हमने सवाल किए, उन्होंने तमाम बातें कही जो एग्रीकल्चर को लेकर, और हमारा सवाल ये भी था कि कुछ विभाग हैं जो दूर दराज के इलाके हैं वहां तक नहीं पहुंचते हैं और बहुत से लोगों को कुछ विभागों का पता ही नहीं है, तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। तो ये मेला चल रहा है, तमाम किसान भी बहुत से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है, विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं विभिन्न विभागों द्वारा, तो ये लाइव वीडियो लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहें रियासी अपडेट्स।
ये कुछ मशीनें यहाँ पे हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। सर क्या नाम है आपका और किस विभाग द्वारा, ये क्या प्राइवेट किसी कंपनी द्वारा ये स्टॉल लगाया गया? हाँ जी सर। कौन सी कंपनी का स्टॉल? सर होंडा का। होंडा का ये स्टॉल है। और क्या क्या आपने यहाँ पे प्रदर्शित किया? सर हम राजू इलेक्ट्रॉनिक्स से आए हैं। तो क्या क्या कौन राजू इलेक्ट्रॉनिक्स? जी राजू इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा ये स्टॉल लगाया गया है। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पे रखे हैं? सर ये टिलर आ गए सर हमारे, थोड़ी जोर से बोलेंगे क्या? हाँ जी सर, ये टिलर आ गए। जी तो ये 9 HP का सर, तो ये 5.5 HP का। तो रेट भी इसके आपने ऊपर लिखे हुए हैं। ये हाईटेक मशीनें हैं, मतलब जो कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाली जो लेटेस्ट मशीनें हैं वो ये सर। जी क्या क्या इस्तेमाल होता है इसका? सर मतलब कि यहाँ पे ये ट्रैक्टर वगैरह नहीं पहुँचते सर, ये उधर काम करते हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर नहीं पहुँचते हैं, वहाँ पर ये मशीनें काम करती हैं। रेट भी इनके लिखे गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जेनसेट भी देखने को मिल रहा है। राजू इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा ये स्टॉल लगाया गया, यानी कि जो शोरूम है रियासी के या फिर और एजेंसीज हैं उन्होंने भी स्टॉल लगाए हैं, और विभिन्न विभागों ने भी यहाँ पर स्टॉल लगाकर जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो या फिर उनकी सर्विसेज हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और ये औजार हैं, शायद ये कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार हैं, यहाँ भी बात करने की कोशिश करेंगे। बात करने की कोशिश करेंगे सर, क्या 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 ये औजार हैं थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और आप किन की तरफ से हैं, किसी विभाग की तरफ से हैं या एग्रीकल्चर की तरफ से आप यहाँ पे हैं? क्या क्या औजार हैं ये? हमारे ये खुरपा है, इसकी कीमत 57 है। ये हमारे एंड लेवलर है, इसकी कीमत 86 है। ऐसे ही ये बीलो है, प्लो है, उसके बाद ये मेज सेलर है, ये है ये बिटलो है, ऐसे ही कुंदाल है। तो इसकी बात करेंगे, ये किस काम आता है? क्या घास निकालने के लिए, फसल से घास निकालने का काम आता है। किसान इसका इस्तेमाल करते हैं अक्सर या फिर थोड़ा अभी? अभी नया नया आया है ये। हाँ जी, अभी की जानकारी नहीं है, मेला लगा है और मेले में जानकारी प्राप्त करेंगे। जी 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 हाँ। क्या लगता है कि किसान थोड़ा हाईटेक होंगे और इस तरह की मशीनें इस्तेमाल करेंगे? जी शुक्रिया। तो किसानों को कहीं ना कहीं इन मशीनों के प्रति, इन औजारों के प्रति जागरूक करने की कोशिश इस मेले के जरिए की जा रही है। विभिन्न ये स्टॉल्स लगाए गए हैं, अलग अलग किस्म का यहाँ पे सामान मशीनरी रखी गई है। सीला के सरपंच भी इस समय हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपकी पंचायत में ही ये मेला लगाया गया है, आपने क्या देखा यहाँ पे और क्या लगता है कि इस तरह के मेले वाकई में किसानों के लिए फायदेमंद होते हैं या फिर और लोगों के लिए भी? आपने अभी तक क्या क्या देखा और क्या आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पे? थैंक यू अंचित जी, मैंने तो ये जो किसान मेला लगा हुआ है हमारी पंचायत में लगा हुआ है, तो इधर जो लोग सब कुछ मतलब देख रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें क्या क्या सब्सिडी हैं, सब देख रहे हैं अपना। और लोगों ने अपने घरों में सैंपल भी लाए हुए हैं कि वो भी सैंपल लगा के इधर, वो किसी को मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पर कौन आता है, सेकंड पर कौन आता है, वो उसका जो जैसे जो बाद में रिजल्ट होगा वो भी देखा जाएगा अंचित जी। तो हाईटेक मशीनें भी हमने देखा यहाँ पे, कुछ औजार भी हैं। क्या लगता है कि कृषि परंपरागत जो तरीके हैं वो छोड़कर अपनाएगा ये औजार या मशीनें जो भी आजकल खेती के लिए इस्तेमाल होती हैं, काम जल्दी होता है, मेहनत कम लगती है, तो क्या लगता है कि वो चेंज करेगा अपना जो काम करने का तरीका है, वो अपना पाएगा नए तरीकों को? नहीं अंचित जी, ये तो बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखो पहले तो अब आदमी ऐसे बैल जोत के हल जोतता था, लेकिन अभी आगे आगे जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उससे कुछ लोग ले रहे हैं, जैसे जो हमारे जो हाल हम पहले तो ऐसे जो होते थे, उसके बाद ट्रैक्टर आ गया, उसके बाद जो अभी जो मैकेनिकल वाले बैल ने मशीनें देखी हैं, लोग काफी ले रहे हैं आस्ता आस्ता, धीरे धीरे चेंजिंग तो बदलाव तो आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लोगों को इससे फायदा हो रहा है, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे फायदा हो रहा है, मेहनत कम रह गई है, लेकिन लोगों को बेनिफिट हो रहा था। ऐसे तो बैल कई कई दिन मतलब एक चार कनाल जहाँ एक एकड़ जमीन वो करनी होती काफी टाइम लगता था, लेकिन मशीनें ऐसी तो जल्दी हो रहा है ऐसे। तो किसानी छोड़ रहे थे बहुत से लोग, तो ये मशीनें आने से क्या लगता है कि अब वो लोग फिर से वापस जाएंगे या फिर जो लोग कर रहे हैं वो नहीं छोड़ेंगे? नहीं सर, वो तो अभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है आजकल सब कुछ प्राइवेट सेक्टर ही हो गया है, नौकरियां तो मिलेंगी नहीं आजकल, आपको पता सब कुछ प्राइवेट सेक्टर है, तो जो मशीनरी वगैरह जो आ रही है, तो जो लोग जिन लोगों की अपने पास जमीनें हैं वो तो इसी के ऊपर भी ज्यादा निर्भर रहेंगे, क्योंकि वो ज्यादा करेंगे, क्योंकि खेतों में ज्यादा ध्यान। अभी देखा युवा इंटरेस्टेड नहीं दिखता सर, युवा नहीं था, लेकिन जब पिछले दिनों आपने लॉकडाउन में
देखा कि जिन लोगों की ऐसे भी जमीनें जो हमारे गांव में बोलते थे बड़ी बड़ी आड़ी जब वो अलग सी चीजें थी, वो लोगों ने वो भी नहीं छोड़ी क्योंकि लोगों ने जमीन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन उससे थोड़ा थोड़ा काफी फर्क पड़ा। और आपको पता है जिससे हमारी जो मतलब देश की जो हमारी हालत की इकॉनमी थी तो हमारी वो जो फार्मर था उससे ही थोड़ी अच्छी हुई है, नहीं तो देश की आपको पता क्या हालत थी। तो अभी चलो जो फार्मर आंदोलन में भी है उस बारे में कुछ कहेंगे? फार्मर में जो आंदोलन में है सर, तो वो जो उनका जो हक है, जो तीन कानून हम रोजाना सुन रहे हैं मीडिया की आपकी तरफ से सबके जो उधर का मीडिया है, तो वो जो अपनी उनकी मांग है वो जायज मांगे हैं, हम उनके साथ हैं, उनके समर्थन में हैं। हम लोग खुद फार्मर हैं तो हम अगर हमें भी उनके साथ जाना पड़ा तो हम भी तैयारी करें कि उनका हम समर्थन करेंगे। आप समर्थन करते हैं तो आपकी पंचायत के लोग यहाँ पहुंचे हैं या फिर किसान जो वाकई में किसान है जो वाकई खेत में होते हैं वो लोग दिख रहे हैं आपको? हाँ हाँ सर, काफी पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो मेला रखा हुआ है तो सब जगह से किसान आया हुआ है, उनके साथ जो उनके पंच समेत वो भी आए हुए हैं, बीडीसी चेयरपर्सन और डीसी मैडम सभी आए हुए हैं, सभी जो उनके चीजें सब वो स्टॉल लगे हुए हैं, देख रहे हैं जिन चीजों का जो जो बेनिफिट होता है सभी ले रहे हैं सर। शुक्रिया हमसे बातचीत। ठीक है सर, रंजीत जी थैंक यू। तो जो जो बेनिफिट हो ले सकते हैं वो लेने की कोशिश की जा रही है किसानों द्वारा। यहाँ पे विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं, अंदर इस समय कार्यक्रम चल रहा है और ट्रैक्टर भी यहाँ पे लगाए गए हैं, जो लोकल यहाँ की जिन्हें सब डीलरशिप मिली है उन्होंने यहाँ पे एजेंसी लगाई है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर ये ट्रैक्टर आपकी तरफ से लगाए गए? जी सर, जी सर। एजेंसी आपको? सब डीलर हूँ। सब डीलर हो आप रियासी में? जी, स्वराज ट्रैक्टर के जी, जी, जी। तो, क्या क्या कोई सब्सिडी मिल रही है इसमें? दे रहे हैं हम 6.5 का ये कैमरा मैन 6.5 का ये, तो हम 2 लाख रुपए सब्सिडी दे रहे हैं उसके ऊपर। जी जी। जो सब्सिडी का पैसा है कौन पे करेगा? वो डिपार्टमेंट ही करेगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वही करेगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2 लाख की जो सब्सिडी? जी जी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देगा ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर परचेज करे और इसका इस्तेमाल करे खेतों में, ताकि कृषि का काम जो किसान छोड़ रहे हैं वो ना छोड़े और इनके माध्यम से जो कृषि आसान हो। जी जी हाँ, जिसके पास ये स्कीम आई, एग्रीकल्चर के पास आई होगी, फ्लोरिकल्चर जिसके डिपार्टमेंट के पास स्कीम आई होगी वही आपको सब्सिडी देंगे। अलग अलग विभाग डिपार्टमेंट में सब्सिडी आती है। तो कितने ट्रैक्टर कुल यहाँ पे लगाए? दो ट्रैक्टर लगाए, बाकी छोटे वाले लगवाए हैं। ये इन्हें भी ट्रैक्टर ही कहा जाता है? छोटा ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर ये 95,000 का, इसमें 50% सब्सिडी दी गई। यानी कि ये 95,000 का है तो करीब करीब 47,000-47,500 का ये मिल जाएगा। जी 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 सर, हाँ जी। सब्सिडी होगी, पैसे नहीं देने होंगे? हाँ, तो आधे पैसे देने? हाँ, बिल्कुल, ये डिपार्टमेंट ने एग्रीकल्चर वालों ने सब्सिडी देनी है ना सर। जी जी हाँ जी जी। तो ये किस तरह से काम करता है? बस इनको लगाना, आपने ये खोल के टायर खोल के इसको लगा देना, बाकी अच्छी करेगा जमीन के लिए, बहुत अच्छा है। ये पिने लगी है ना? हाँ, पिने लगी है, पिन निकालनी है यहाँ से, ये देखो पिन निकालनी है, टायर पूरा बाहर आ जाएगा। ये चीज इसके अंदर लगानी है, टायर को आप रख लो, आप जमीन का काम करो, जब आप घर पे जाना है फिर दोबारा ये बाहर निकालो, टायर लगाओ तो ये यहाँ घर लगा दो, ऐसे करके यहाँ लगा दो, अपने यहाँ घर पर चले जाओ। क्या लगता है कि किसान इसे अपनाएंगे अब? हाँ, ये आसान तरीका है या उनके उन्हें लगेगा ये यार ये किस ये हम नहीं कर पाएंगे? नहीं नहीं, आसान तरीका बहुत आसान है। क्या जी, हर जैसे जिम्मेदार जैसे पहले बैलों के साथ करता था, ऐसे वो यार बैलों से बैल खींचते थे, ये इंजन चलाएगा, टाइम बचेगा बहुत, मेहनत भी कम लगेगी। जो बैल खींचते थे वो एक हल थी इतनी जगह लेती थी, ये कम से कम इतनी जगह ये कवर करेगा, ये और ये इसका जो ब्रेथ था वो बढ़ जाएगी। हाँ बढ़ जाएगी, दोनों तरफ इधर भी लगेगा उधर भी लगेगा, जैसे ये तैयार किया हुआ पूरा ये लगेगा इतनी जगह ये कवर करेगा, जगह बैल से अगर जो 1 घंटे में होता है ये 15 मिनट में करेगा काम, समय बचेगा। तो ये भी हमने किसानों के लिए सब्सिडी दी हुई है, 2 लाख रुपए जो सब्सिडी आ रही है किसानों के लिए। किसानों ये बड़े ट्रैक्टर भी किसान लेते हैं, इनमें भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है, जिनके ज़्यादा जमीन है, जिनकी 50 कनाल 100 कनाल, उनके लिए ये बेनिफिट में है, बड़ा ट्रैक्टर है। तो ये जो मशीनें थी, छोटा ट्रैक्टर आपने बताया आप सब डीलर है, तो ये परचेज करते थे पहले भी लोग या कभी कम परचेज होते थे? नहीं, ये कम ही होते थे, मगर आज हमने ये इधर लगाई हुई है, इनकी बैच वगैरह लगाई हुई है, तो अब जागरूक होंगे, उम्मीद है हाँ, बिल्कुल पता चलेगा किसान। बिल्कुल बिल्कुल, काफी किसानों ने हमारे पास आके बात की, इंक्वायरी की है, बात की है कि अच्छी चीज है, देखते हैं आगे क्या। कहाँ पे आपकी एजेंसी? मेरी त्रिंथा में, ऊपर में है। तो ट्रैक्टर का काम आपका ठीक है, परचेज होते रहते हैं? हाँ, हमारे पास वर्कशॉप भी है इसकी, परचेज भी कर रहे हैं हम। हाँ, वर्कशॉप मैकेनिकल भी हमारे पास रखे हुए हैं सारा कुछ। हाँ जी सर, शुक्रिया हमसे, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो प्रदर्शनी जो किसान मेला है और एग्रीकल्चर प्रदर्शनी है वो लगातार चल रही है, अब अंदर के कुछ दृश्य भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस समय कार्यक्रम चल रहा है,
तो अंदर जाने से पहले ये जो छोटा ट्रैक्टर है ये इन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होती हुई दिख रही है। तो थोड़ी सी गड़बड़ स्टार्ट करने की कोशिश की थी, शायद दिखाना चाहते हो किस तरह से ये काम करती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होती हुई दिखी। अब अंदर के कुछ दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, उससे पहले कुछ बाहर जो स्टॉल्स लगे हुए हैं वो लाइव दृश्य आपको दिखाते हैं। छोटा ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है और चलाकर लोगों को इसके बारे में बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से ये चलता है। Thank you.
तो ये भी सर क्या बोलते हैं इसे, छोटा ट्रैक्टर ये? हाँ, मिनी ट्रैक्टर, इसको टिलर कहते हैं। टिलर, टिलर यानी कि जो ट्रैक्टर काम करता है उसी तरह का कुछ काम? हाँ, ये हाँ उसी तरह का खेती बाड़ी का काम करता है, खेती बाड़ी का करता है। तो देखा किसानों ने क्या कहा इसके बारे में, कोई खरीदने के लिए भी किसी ने? बहुत लोगों की डिमांड है ऐसे, हम पहले भी देते हैं राजू इलेक्ट्रॉनिक ग्राम मोड में, हमारे पास एजेंसी है हांडा का हो गया। ये किस कंपनी का? ये हांडा का है, हमारे पास हांडा आता है, किसान क्राफ्ट आता है, ASP आता है। इससे पहले जब दुकानों में आपने रखे थे जब, तो आते थे किसान खरीदने, रुझान बताते थे इसके प्रति, या फिर वो परंपरागत जो तरीके हैं उसी पे खेती करते हैं? नहीं नहीं, आजकल बहुत डेवलपमेंट हो रही है, ऐसी बात नहीं है। एग्रीकल्चर जागरूक हो रहे हैं किसान? हाँ जागरूक हो रहे हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये लोगों को देते हैं सब्सिडी के तौर पर, तो वो किसान हमारे पास आते हैं और लेके चले जाते हैं। तो आपको पेमेंट कैसे होती है, क्या बैंक के जरिए पेमेंट होती है सब्सिडी? नहीं, जो किसान है वो हमारी फुल पेमेंट करके जाता है, जो कंपनी की पेमेंट होती है। कंपनी की पेमेंट फुल आपको किसान ही करके जाता है, उन्हें सब्सिडी मिलती है? सब्सिडी उनके अकाउंट्स में आ जाती है, जैसे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर देते हैं तो वो उनके अकाउंट में आ जाती है। हाँ, तो सब्सिडी के बिना भी कुछ लोग लेने आते हैं या फिर कम रुझान दिखाते हैं, महंगा लगता है उनको, क्या रेट इसका है? जिन लोगों ने, जिनको पूरा नॉलेज है वो ऐसे भी लेके चले जाते हैं। हाँ, उनको जिनको पूरा पता है इसका, वो समझते हैं तो वो लेके चले जाते हैं। यानी कि इससे टाइम बचता है, मेहनत कम लगती है? ये कम से कम एक घंटे में 4 कनाल जमीन निकालता है। एक घंटे में 4 कनाल जमीन की खोद देता है और खुदाई करता है, और ये एक घंटे का 1 लीटर तेल ही यूज करता है। एक घंटे में 1 लीटर तेल? 1 लीटर तेल यूज करता है। तो अभी किसानों ने बात की, आपको खरीदने की कोई बात नहीं की? हाँ, ये बहुत डिमांड है मेरे पास, और जो आज मेरे पास 2-3 डिमांडें आई हैं तो वो भी किसान आने वाले हैं, वो भी ले रहे हैं। क्या लगता है कि अपनाएंगे ज़्यादातर किसान इसे, इस तरीके को, ताकि जो खेती है वो आसान हो सके, टाइम बचे किसान का और काम कर सके किसान? हाँ, किसान की बहुत डिमांड है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फसल भी अच्छा उगरता है इससे, तो किसान बहुत डिमांड कर रहा है इसकी। इसके अलावा और क्या आपने रखा है? हमारे पास वाटर पंप, वाटर लिफ्टिंग पंप आता है, नैप सेट आता है और जैन सेट आते हैं, और किसान से मिले हर एक टूल्स हमारे पास आता है। किसान से संबंधित जो भी चीज़ें होती है, औजार होते हैं या मशीनें होती हैं, वो सब कुछ हमारे पास मिलता है। हाँ, ये ग्राम मोड में, राजू इलेक्ट्रॉनिक ग्राम मोड में। शुक्रिया हमसे बात, धन्यवाद। तो ग्राम मोड में राजू इलेक्ट्रॉनिक में खेती के संबंधित जो भी औजार हैं, ज़्यादातर औजार और जो मशीनें हैं, लेटेस्ट मशीनें हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, वो वहाँ मिलती हैं। इससे पहले भी हमने आपको, एक सब डीलर हैं उनसे बात की, और उन्होंने भी बताया कि उनके पास ट्रैक्टर पे भी सब्सिडी मिलती है जो डिपार्टमेंट देते हैं, और उसके अलावा उनके पास भी एक छोटा ट्रैक्टर था, मिनी ट्रैक्टर था, उन्होंने भी इसकी जानकारी हमें दी थी। तो इस किसान मेले में, इस एग्रीकल्चर एग्जीबिशन में तमाम तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें ये ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बहुत से लोगों के लिए, बहुत से किसानों के लिए ये जो मिनी ट्रैक्टर है ये नई चीज़ है, लोग इसे काफ़ी देख भी रहे हैं, इसके आगे पीछे लोग जमा हैं, और एक बार फिर आपको ये दिखाएंगे। हालांकि इसमें जो आगे एंगल लगाए जाते हैं जिससे वो बुवाई करता है खेती की, वो अभी नहीं लगाए हैं, जस्ट ऐसे ही इसे चलाकर दिखाया जा रहा है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, जिला विकास आयुक्त भी अंदर हैं और जो विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं वो भी अंदर हैं, और किसान भी अंदर बैठे हुए हैं, और इस समय वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी वहाँ पे किसानों को दी जा रही है। हमने यहाँ पर 25,000 क्विंटल खाद बेचा है, मैं चाहता हूं कि वो कम हो जाए, 25,000 क्विंटल ना हो, वो कम हो जाए, ताकि
आप ऑर्गेनिक की तरफ चला जाए। आपको एक और खुशी की बात बताता हूं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पाइसेस के लिए नॉमिनेट किया गया है कि यहां पर स्पाइसेस ज्यादा लगती है, हल्दी अदरक सारी चीजें यहां पर ज्यादा लगती है, ताकि उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में नॉमिनेट किया गया। अगर किसी को उसमें लोन भी लेना होगा वो लोन भी ले सकता है, हमारे एडजॉइनिंग डेयरी प्रोडक्ट में भी ले सकता है, कोई पिकल बनाने का कोई ले सकता है, इसमें सब्सिडी भी है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सभी आगे आए और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कोशिश करें। सिर्फ मेरी आपसे गुजारिश यह है कि आप आगे बढ़े। हमारा काम, एक छोटी सी कहानी बताता हूं, हमारा काम है, आपके घरों में सभी देवते होते हैं आपको पता है, और वहां पर वो ढोल बजाते हैं, ढोल बजाने के बाद वो कहते जी देवता आते हैं उसमें, लेकिन हमारा काम है ढोल बजाना, हमारा काम है आपको आगे ले जाना, बाकी काम आपने करना है। जितने जमींदार भाई आगे मेहनत करेंगे, जरूर मेरे पास यहाँ पर बहुत से प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जो कि बहुत तरक्की कर रहे हैं आगे, इनोवेटिव फार्मर्स हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और फिर कहता हूँ कि आपने कोविड में इतना अच्छा काम किया हमारे जमींदारों ने, कणक की कटाई पीक पर थी आपने की, आपको बुआई करनी थी मक्की की आपने की, कोविड के बावजूद भी किया, आपको ट्रैक्टरों की जरूरत थी आपने ट्रैक्टर से काम किया, आपने मशीनरी की जरूरत थी उस टाइम आपने किया, आपने हमें स्प्रे पंप उधार भी दिए ताकि हम आपके लोगों पर लोगों की स्प्रे करें। ये बहुत बड़ी चुनौती थी आपके लिए और आप उसमें खड़े उतरे। वैसे अन्नदाता, आप हमारे अन्नदाता हैं, अन्नदाता को फिर शुक्रिया करता हूँ, आप यहाँ पर आए और हमारे इस एग्जीबिशन की शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, इसी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे लिए हमेशा आगे रहती है, आप हमेशा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इसके अलग डिपार्टमेंट सब ख्याल रखती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। भारत देश है मेरा, जहां लाल लाल
कोई एनजीओ थे या कोई ताम है भाई? इतने कोई लंच दे कोई ताम नहीं है, एक किसान मेला है। ओ किसान मेला ओ पता है क्या असली वाली कई गल है ते भी पता है क्या होता सर जिथे सारे लोग रली मिलिए खुशियां मनांदे किसान भाई किथे होंदे अपुल ते गप शप लांदे ओ नहीं भाई ए नहीं होता लोग सारे ता कटे नहीं सुनाया जाता जमीन के बारे में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जानकारी दिता कि तुम्हारी फसल क्या होनी चाहिए के लाना चाहिए के नहीं ये गल समझाई है। अरे वो सारे ही पता है सारे बुजुर्ग भी लाते हैं अस भी लाने ही के दस पहली गल वही लाने का भी तरीका होता कोई जिया की सारी दो टाइप की होंगी ऑर्गेनिक दो टाइप की फसल दो टाइप की ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के दो टाइप की सब्जियों में आता करेला पट्टा भिंडी ओपरा अपनी सब्जियां ही नोकिया ली देसी सब्जी अपनी साग तू के की दो फसला भाई ये दे होती मेरे आखने का मतलब है कि सारी दो टाइप की जेडी खाद होंगी जिया की ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होंगी की जेडी अस यूज करने बाड़िया जो है शायद के बाहर लाने अपनी सब्जी करते यूज यूरिया शूरिया प्रोग्राम है ना ये आत्मा स्कीम दे अंदर चला दा आत्मा स्कीम दे अंदर एक किसान मेला चला दा जेदे एग्रीकल्चर दे बारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दसा दा ए भैया एक मिनट ए आत्मा की बुलाई ये के चीजो प्रभु आत्मा आत्मा कद कुछ स्कीम लगिया कटना आत्मा दा मतलब है आत्मा दा मतलब है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी समझया ए नाम है दा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤਾਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਾ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਣਾ ਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ ਆਣੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਖੇਲੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਤੇ ਆਇਓ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਸੱਚੀ ਮਿਲਾਣੀ ਦੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਾਣੀ ਆਇਆ ਆਹ ਵਾਹ
ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਣਕ ਵਿੱਚ
ਅੱਜ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੇਤਰੀ ਮੁੜੇ ਤਰੀ ਗੋਰੀਆ ਟਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈਆ ਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੇਸੀ ਟਮਾਟਰ ਪੇ ਦਾ ਭੁੰਨਾ ਚੁੱਪ ਸੀ एक टमाटर 20 रुपए आलू 25 रुपए भिंडी 30 रुपए मूली 20 रुपए सब के देसी है देसी मैडम जी देसी दूसी नहीं है अब सस्ती है इस किसी झूठ माल है भगवान डेट रही है देसी की सब्जी सस्ती मैडम जी सवेरे की गुराई हुई तुंदे नहीं मैं अपनी सेहत नहीं खराब करी सकती ना मतलब ये जहर नहीं खा तुंदे नहीं मैं तुंदी पूरी हो जा अज मेरे पास है बड़ा पैसा यार नहीं निकल सब्जी बेची नहीं होनी होने ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के भैया मोइन वासिया के गए इले तेरा बच्चा हुआ तो ना पैसे लेके कोई जवाब दे मेरी गल समझ लग रही साफ साफ गल सामी आवा दे कोई दवाई नहीं सुटिया वो कोला मरदा गया जेटा तू ही अंग्रेजी दवाई दी वो बेड़ा गर्क करिए जमीना बेड़ा गर्क करिए नहीं बोया कि अंग्रेजी तो ये लगता की पुत्रवार क्या ओ बच्चा मरना क्या नौड़ा जेटे सी अंग्रेजियां तो ये दिखती क्या भाई कोला सुना लिया अंग्रेजी तो क्या सुना ऐसा कपड़े करते हैं सुना बाते सुना माँ सुना जो ले ये नहीं दे रही मैं है तो क्रीम रुवार क्या तुसे किन्हा तुसे तुसे सिर पीड़ा तुसे पेट पीड़ा तुसे जुड़िया हुई था तुसे किश हुई था ये क्यों दी बदौलत हुई था अंग्रेजी दवाई दी बदौलत हुई था क्योंकि इन्हें ऑर्गेनिक नहीं लाती इन्हें इनऑर्गेनिक लाती ते जिन्हा के एक शराबी होता ना शराब जिला पीना स्टार्ट करता उसी जरूरत हर बार पड़ती उन्हें क्या बाड़ी अगर तुसे एक बार इनऑर्गेनिक खेती जी चलाना स्टार्ट कर दी हर साल अंग्रेजी दवाई की जरूरत पौनी अगर तुम इन नहीं किया तो तुम्हारी जी जमीन की खाद है वह खराब हो जानी करिए तुम इनऑर्गेनिक खेती नहीं करनी ऑर्गेनिक करनी जैविक खाद हरी खाद बर्मी खाद की खाद ये सुनी लैंदे फायदे जेड़े हैं एक और गल जेकी बड़ी जरूरी है तुसे अपनी जेड़ी जमीन
ਜਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਸਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਇਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੇਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਈਏ ਖਾਦੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਾਦ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਏ से परमिशन लेता हूँ कि जितना
जितने हमारे पार्टनर्स हैं उनके प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का सब लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले लेमन ग्रास के साहिब शर्मा सनम दिलकराज सिरा कोटला से, मशरूम के हैं प्रदीप कुमार सनम देसराज सिरमागा से, मशरूम के प्रदीप कुमार सनम के Thank you.
सबसे पहले तो मैं
और क्योंकि हम लोग पिछले एक सवा डेढ़ साल से सवा साल से दिस वॉइस इज नॉट गोइंग टू सवा साल से हम लोग किसानों से बातें कर रहे हैं, किसानों के साथ काम कर रहे हैं, मगर इकट्ठे सबके साथ मेरा मिलना नहीं हो पाया। हर एक तबके से मैं मिल चुकी हूँ, टीचर्स से अलग मिल चुकी हूँ, डॉक्टर्स से मिली हूँ, हमारे बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ जो कि अलग अलग एरिया में काम करते हैं, बट किसानों से, जैसे मैं डीलर्स से मिली हूँ, मैंने राशन डीलर्स के साथ दो तीन मीटिंग्स कर ली, बट किसान एक ऐसा तबका है जिनसे मेरा मिलना नहीं हो पाया। सो उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ। दूसरा, यहाँ बच्चों ने जो बताने की कोशिश करी, मुझे लगता है कि इस कमरे में बैठा हुआ हर एक किसान वो ऑलरेडी कर रहा है। और हमें बड़ी अच्छी बात यह है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो किसान है वो कुदरती तौर पे पुराने हमारे पूर्वजों के हिसाब से, बड़े बूढ़ों ने हमें सिखाया ही नहीं यूरिया डालना, नहीं सिखाया ना। यहाँ बहुत सारे ऐसे किसान होंगे जो बोलेंगे कि मैंने तो कितने सालों से अपने यहाँ पर वो बहुत सारा केमिकल डाला ही नहीं, उतना ही डाला जिससे कि कीड़े वगैरह मर जाते हैं, ठीक है। तो ये मुझे पूरा यकीन है क्योंकि हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पूछा था तो हमें पता चला कि यहाँ पर रियासी में जो किसानी करते हैं वो लोग वो इसमें केमिकल का इस्तेमाल कम करते हैं, ठीक है, ये हमें पहले से पता था। अब दूसरा सवाल कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपको स्कीमें बता रहा है वो सारी स्कीमें सरकार के तरफ से आई हैं। मैं एक बार जो शुरू में आप लोगों से करना चाहूंगी कि जो सरकार आपको स्कीम्स देती है वो हो सकता है हरियाणा, हिमाचल, हम एक ही तरह की स्कीम का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, एक ही तरह की स्कीम चला रहे हैं, मगर सरकार उसमें एक उम्मीद जरूर डालती है जिसको हम कहते हैं कि आप अपना दिमाग भी लगाओ। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बैठे हुए जो है उनको पूरा अंदाजा है कि रियासी में क्या चीज उगती है, ठीक है, जानकारी हो सकती है, जानकारी का होना एक अलग बात है, मगर किसान को यह समझना बड़ा जरूरी है कि आपकी खेती जो हो रही है वो क्या है और उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने, मेरे को पता है कि बहुत इलाकों में फूलों की खेती होती है, ठीक है, फूलों की खेती होती है, और जो भी मैं बात करूंगी आप में से किसी को अगर कोई सवाल पूछना है पूछ सकता है। फूल की खेती मैंने सुना है पैंथर में और डेरा बाबा की तरफ फूलों की खेती हो रही है, मगर अभी मेरे को बाहर किसी ने पूछा कि फूलों की खेती सब जगह क्यों नहीं हो सकती। अब मुझे ये पता है कि फूल इसलिए सब जगह नहीं हो सकते क्योंकि फूलों को एक टेम्परेचर की जरूरत है, एक किस्म के उसकी क्या कहते हैं मिट्टी की जरूरत है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है मेरी मिट्टी में क्या हो सकता है, कितने लोगों ने अपने सॉइल की टेस्टिंग कराई, थोड़ा हाथ खड़ा करो, कितना बंदा होगा थपनो साहब इस कमरे में, इसमें कमरे में कितने लोग बैठे, 300 से ज्यादा लोग हैं। 300 लोगों में मुझे लगता है सिर्फ 15 लोगों ने हाथ खड़ा किया कि मैंने अपनी मिट्टी की टेस्टिंग कराई है। दोबारा खड़ा करो जरा, कितनों ने किया टेस्टिंग, अब ज्यादा मिट्टी की टेस्टिंग, ठीक है, हो सकता है मेरी बात करने से समझ नहीं पाए, तो भी 300 लोगों में अगर सिर्फ मेरे 50 हाथ खड़े हो रहे हैं कि हमने मिट्टी की टेस्टिंग कराई है कि मेरी मिट्टी में क्या पैदावार हो सकती है, मक्की होगी, चावल होगा, सब्जी होगी, फूल होगा, क्या होगा। तो आपने बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई देखी, सबने देखी, और वो गाड़ी में कई लोग भी आए हैं जम्मू से, खास तौर पर हमारे मेले में शामिल हुए, तो उस गाड़ी में जो मिट्टी का टेस्ट होता है उसके बाद आपको एक कार्ड मिलता है, एक कार्ड मिलता है। यहाँ पर कितने लोगों के पास वो वाला कार्ड है, शाबाश, पीछे एक बुजुर्ग ने बड़ा सीधा हाथ खड़ा किया है, सोमलाल जी के पास भी है, तो कार्ड नहीं है लोगों के पास,
करने की सुविधा है। गाड़ी में आए या ना आए, हमारी अपनी लैब है, अपनी लेबोरेटरी है। आप लोग जब बीमार होते हो तो जाते हो ना, डॉक्टर बोलता है कि जाके टेस्ट कराओ, हो सकता पथरी है, होता ना डॉक्टर, तो आपका वो यूरिन सैंपल लेता है, फिर बोलता है जी ब्लड टेस्ट कराओ, फिर कहता है जी नहीं ये भी नहीं है, आपने मुंह का टेस्ट कराओ, क्या पता मुंह का कैंसर है, होता ना। तो आप लोगों ने अपने कभी नहीं सोचा कि मैं अपनी मिट्टी का टेस्ट कराऊं, हो सकता मेरी मिट्टी को कैंसर है, कराना चाहिए ना टेस्ट। अब ये डॉक्टर है, ये सारे जो यहाँ वाले लगा के खड़े हैं जो गले में, ये सब डॉक्टर है आपके, आपने आप में से बहुत कम लोग इनके पास आते होंगे वो पूछने के लिए कि मेरी मिट्टी पर भी कैंसर लग रहा है, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, खुद मिट्टी का टेस्ट करना चाहिए। मिट्टी का टेस्ट करोगे तो पैदावार अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी तो जो लड़का यहाँ वो बुजुर्ग बना हुआ था जो माथा पीट रहा था बोल रहा था जी मेरा तो सारा फसल खराब हो गई, तो वो नहीं होगा। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट आप लोगों से है, सबसे हाथ जोड़ के देती है कि अपनी अपनी मिट्टी का टेस्ट कराओ। मेरी बात समझ आ रही है सबको, पीछे आवाज आ रही है, समझ आई मैंने क्या बोला, अपनी अपनी मिट्टी का टेस्ट कराओ, डॉक्टर आपके सामने खड़े हैं इनके पास जाओ और टेस्ट कराओ, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बहुत बहुत ज्यादा जरूरी, और आप लोगों को लग रहा होगा कि ऋषि तो कभी खेती करके रहा ही नहीं है, इनको बड़ा पता कि हमें समझाने चलिए, मैंने खेती नहीं की है इसमें कोई शक नहीं, मैंने कभी भी खेत नहीं जोड़ा, मगर ट्रैक्टर चलाया, ऐसी कोई गाड़ी नहीं है, ऐसी कोई गाड़ी नहीं है, ट्रक ट्रक जो छोटा सिंगल चेसी ट्रक होता है वो भी चलाया, ऐसी कोई किसानी गाड़ी नहीं है जो मैंने नहीं चलाई। तो जब आप लोग इतनी मेहनत उसमें करते हो, गंदम उगा रहे हो, कभी मक्की लगा रहे हो, कभी कुछ लगा रहे हो, कभी कहीं चावल लगा रहे, तो फिर ऐसा इतनी मेहनत करने के बाद पैसा क्यों हाथ नहीं आता, नहीं आता ना। आप यहाँ पर कितने ऐसे लोग होंगे जिसके बैंक में इस समय 2 लाख रुपए से ज्यादा होगा, कोई किसान बड़े खुश होकर बताए मुझे कि मैडम मैं करोड़पति हूं, है कोई करोड़पति इस समय में, लखपति होगा मगर वो बताएंगे नहीं, जमीन तक होने से लखपति नहीं होता, वो तो हमारा इंसानी दिमाग है, भगवान ने जमीन दी है हमने उसको बांट बांट के अपने आपको लखपति बना दिया, जमीन को खेती की शक्ल में निकालना और फिर लखपति होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कोई लखपति इधर अपनी किसानी कर करके, आपके कितने बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं मैं तो किसान बनना चाहता हूं, कोई भी बोले मेरा बच्चा किसान बनना चाहता है या मैं उसको किसान बनाना चाहता हूं या बनाना चाहती हूं, बनाना चाहता है कोई अपने बच्चे को किसान, चलो मैंने सवाल चेंज कर देती हूँ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो किसान बनना चाहते हैं, इस समय आप जोश जोश में बोल रहे हो, 3-4 हाथ खड़े हुए जिन्होंने कहा कि मैं किसान बनना चाहता हूँ मगर नहीं बनना चाहते, सच्चाई ये है बच्चे नहीं हाथ गंदे करना चाहते। मैं आपको, मेरे को दिल की खुशी होती है, मैं बंदे को कैसे पहचानती हूँ, मेरी बंदे को पहचान करने का थर्मामीटर क्या है, हाथ, मैंने कितने इंटरव्यू लिए, जब किसानी का इंटरव्यू लेती हूँ तो कोई बड़ा सफेद पोश आता है बूट शूट पहन के और बोलता है जी मैं किसानी कर रहा हूं, तो हाथ खोल के दिखा दो अपने, पता चल जाएगा किसानी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अभी मेरे से सर्टिफिकेट लेके 2-3 लोग गए, हाथ पूरे फटे हुए, पूरे हाथों में दरारें पड़ी, पता है ना, पता चलता है कि हाँ किसानी कर रहा बंदा, अगर किसानी कर रहा हो तो वो हाथों में क्रीमे नहीं लगाता, फिर वो सरसों का तेल रात को लगाता है, वो भी जलन होती है उससे, वो भी जलता होगा, होता है ना ऐसे। तो जो 80
असली किसान है जो अपना पसीना, अपना परिवार, अपना सेहत सब कुछ जमीन के ऊपर दे देता है, वो किसान ये क्यों नहीं सोच रहा है आज की तारीख में 2021 में, 2021 में जबकि जान के गए हुए जमाने हो गए, वो 2021 जिसमें कि आज की तारीख में सैटेलाइट से सारे काम हो गए, तो मेरा किसान आज ये क्यों नहीं सोच रहा कि मैं पैसे बनाऊं? वो पुरानी पुरानी परंपरा को लेके गंदा भी बना लिया जी, गंदा भी बना लिया, चाहे फाके लग रहे, फाके लग रहे होंगे लोगों को, फिर भी गंदा बना। तो कभी सोचो कि मेरी इस जमीन से फूल लगा देता हूं, नींबू घास अभी बोला है उन्होंने, नींबू घास लगा देता हूं, ठीक है, मशरूम लगा देते, अच्छा आम से आम पापड़ बना लेते। जब तक किसान गाय से दूध निकाल के बेचेगा उसको एक दूध लीटर 50 रुपए में बिकेगा, जब तक किसान गाय से सिर्फ दूध निकाल के बेचेगा उसको मिलेंगे 50 रुपए लीटर, 60 रुपए ज्यादा से ज्यादा मुझे रेट नहीं पता, इतना ही है ना दूध का रेट, 50 रुपए, 60 रुपए, 60 रुपए का दूध बेचा। ऐसा क्यों नहीं, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, 50 नहीं तो 55 सही, कोई परेशानी नहीं, ये क्यों नहीं कभी सोचा कि हम दूध का बर्फी बना लेते हैं जी, पनीर बना लेते हैं, कलाड़ी बनवा लेते हैं, अपने लड़के को कोई ट्रेनिंग दिलवा देते हैं, दूध का काम तो है ही, फायदा किसको होगा? अब आपका एक किसान है घर में और आपके बच्चे कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं, एक किसान घर में बच्चा जो है जी मैं मॉडलिंग करूंगा, एक किसान का परिवार, कभी भी आपने देखा है कि जो डॉक्टर होता है वो कोशिश करता है पूरा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, करता है कोशिश, फौजी जो है बोलता मेरा बच्चा फौज में जाए, और टीचर बोलता है मेरा बच्चा आईएएस अफसर बने, यही होता है। तो किसान नहीं सोचता कि मेरा बच्चा किसानी करे, क्यों करेगा बच्चा किसानी जब उसमें से पैसा निकलेगा, जब थोड़ा पैसा बनेगा तो इज्जत आएगी। तो हमारे देखो कितना दुर्भाग्य है हमारे जमीन का कि दो ऐसे ऐसे जो काम करने वाले लोग, दो ऐसे लोग जिससे देश बनता है, वो दोनों नहीं चाहते कि मेरा बच्चा वो बने जो मैं हूं। किसान भी नहीं चाहता मेरा बच्चा ये बने, टीचर भी नहीं चाहता मेरा बच्चा टीचर बने, और ये वो दो हमारे ऐसे हमारे काम है, हमारी ऐसी जॉब्स हैं जिससे कि आगे आने वाले 100 साल का फर्क पड़ता है। आज किसान जो है खराब किसानी करेगा 100 साल तक हमारा देश ऊपर नहीं उठ सकता, आज हमारा टीचर जो है गलत पढ़ाई कराएगा पूरी की पूरी नस्ल खराब हो जाएगी। तो जब मशरूम उगाने हैं, मशरूम उगाओ, मैं औरतों को सबको बोलती हूँ, ना हाथ गंदे होंगे, ना पसीना निकलेगा, घरों में हमने जो खबर है, मैंने सुना एक लड़की को हमने 26 जनवरी में मशरूम उगाती है, वो लड़की अंजू देवी का नाम है, आशु, आशु करके एक लड़की है, एक लड़की है जो मशरूम लगाती है, उसके घर में शायद उसने चारपाइयां भी साइड कर दी है, सोफे भी साइड कर दी है, सिर्फ मशरूम के बैग लगे, और उसको मेरी तरफ से डिस्ट्रिक्ट की तरफ से 26 जनवरी को स्टेज पे बुलाया मैंने और उसको मैंने इनाम दिया। तो हम तो नहीं मानेंगे, हम तो गंदम ही लगाएंगे, तो मशरूम क्यों नहीं लगा सकते? ठीक है, घर में अगर गंदम लग रही है तो बीवी जो है मशरूम लगा ले घर में, बेटी मशरूम लगा ले, बेटा लगा ले, पढ़ा लिखा जो है वो लगा ले, कंप्यूटर कोर्स करे, मगर जो मछली पालन है, मछली पालन में बहुत मुनाफा हो सकता है, बशर्ते हमारे पास जो भी 300-400 लाइसेंस हैं इस डिस्ट्रिक्ट में उसकी मैं मीटिंग लेती हूँ जब, तो 300-400 लाइसेंस में से 10-12-15-20-100 इससे ज्यादा ऊपर मछली नहीं पालता कोई भी, क्यों नहीं पालता कोई मछली? कितने लाइसेंस हैं एक हिसाब हमारे पास और एक्टिव कितने हैं? मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ उसका सीधा जवाब दे दो, कितने लोग इस समय मछली का काम
साढ़े पांच सौ और काम कितने कर रहे हैं? 25। बाकी लोग क्यों लेते हैं लाइसेंस, क्यों करवाते हैं लाइसेंस? क्योंकि उनको मकान चाहिए, क्योंकि लाइसेंस मछली के साथ मकान मिलता है सरकार की तरफ से, मुफ्त मकान मिलता, कमरों का, टॉयलेट, बाथरूम सब मछुआरों को मिलता। हम क्यों लाइसेंस लेते हैं? क्योंकि हमें मकान चाहिए। इसलिए नहीं लेते कि भाई मकान तो एक बार की इन्वेस्टमेंट है ना, आपके बच्चे भी काम करना चाहते हैं आगे, आप खुद मत करो, किसी लड़के को रखो, मछली पालन करो, देखो कितना मुनाफा। मैं आपको जो मछली पालन करना चाहता है, मैं आपको बेचने की जगह देना मेरी जिम्मेदारी है, मैं बिकवा दूंगी मछली। अब तीसरी चीज, बंदरों का प्रकोप बता रहे हैं यहाँ पे, कितनी चीजें बंदर, बंदर नहीं खाते, फूल नहीं खाते, मेरे को बताया गेंदा नहीं खाता बंदर, तो गेंदा क्यों नहीं लगाया हमने? कितनी खपत है, बगल में आपके वैष्णो देवी है, शिव घोड़ी है, नौ देवियां है, आधार जितो है, आपका बाबा ढंसर है, बाबा अपना हरे, कितनी सारे हमारे वहां पर है, फूल नहीं लगाते हम, इसलिए नहीं लगाना फूल की, पता नहीं कैसे, पता नहीं कभी सोचा नहीं कि फूल कैसे लगता है। फूल क्यों नहीं लगाते हमारे मंदिर? आपके हाथों हाथ फूल खेल रहे थे, मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट करवा दूंगी, फूल अगर आप बनाना शुरू करो, फूल पैदा करना शुरू करो, बिकवाना मेरा काम, वो मेरा काम है, मुझे उसकी तनख्वाह मिलती है। आप ऐसी चीज बनाओ जो बिके। तीसरी चौथी चीज, नींबू घास की बात हो रही है, नींबू घास क्या बड़ा कुछ हो सकता है, लेमन ग्रास हो सकता है, सिट्रिनेला हो सकता है, आई थिंक डॉक्टर बनारसी पाटिया, आपका क्या कहते हैं आंवला हो सकता है, आपका ये नहीं नहीं वो एलोवेरा हो सकता है, एलोवेरा तो जंगली है, आई होप इनको पता है एलोवेरा क्या है, पता है जी एलोवेरा क्या है? से जनाब सारी वो चीजें जो बैंगलोर, कैलकाटा, मुंबई, हमारा दिल्ली, वहां पर जो औरतों की क्रीमें बनती हैं वो क्वार्ट गंधल से बनती हैं, और अगर आप लगाना शुरू करोगे हाथों हाथ जो कॉस्मेटिक कंपनी वाले हैं वो इधर आएंगे और ले जाएंगे। क्यों नहीं लगाते? वो तो गंदी है, उसको तो कोई नुकसान नहीं है जानवर से, वो क्यों नहीं लगता हमारे यहाँ? क्यों हम लोग गंदम में और चावल में फंसे? मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि गंदम चावल मत लगाओ, क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो हम खाएंगे कैसे? आटा भी तो चाहिए, चावल भी तो चाहिए, मगर तरीका ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा पैसा बने। अब किसान को बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा कि एक व्यापारी कैसे सोचता है, वो सोचना पड़ेगा। हमारा किसान अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंचा, इसलिए गुर्बत है, इसलिए गरीबी भी, ठीक है। इसके बाद पांचवा हमारी कैटेगरी अदरक, हमारा अपना थोम, हमारा अपनी हल्दी। क्या आपको इस बात का पता है कि रियासी से पैदा होने वाली हल्दी पूरे देश में जो हल्दी पैदा होती है उसके जितना उसमें गुण है, कि देश के लेवल की हल्दी है हमारे यहाँ की पैदावार, मगर हल्दी को आगे चक्कियां वाला नहीं, उसका पाउडर, हल्दी कोई पूरी की पूरी गांठ तो नहीं ना लेगा, कच्ची हल्दी तो नहीं लेता इंसान, पाउडर लेता है। तो क्या कभी किसी किसान ने सोचा कि मैं हल्दी को पीसने वाली मशीनें ले लूं? एक लाख सवा लाख की मशीन आती है, क्योंकि हम मशीन ले लें, क्या स्कीमों का फायदा ले लें? जो स्कीमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चला रहा है हल्दी के लिए, वो क्या मिक्सी, जैसे घरों में मिक्सी होती है हल्दी, हो उसको जो भी उसका साथ काम लगता है उसके साथ उसकी मशीन लगा, पीसो, पीस के बेचना मेरा काम है, मैं बिकवा दूंगी, क्योंकि मेरे पास लोग खुद चल के आ रहे हैं। मैंने कितना ट्विटर किया है, कितना सोशल मीडिया पे आपका, आपके प्रति इतना लोग जो है जागरूक हो गए हैं रियासी के सामान के प्रति, कि लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि मैडम आपके यहाँ पर अभी, ये लोग सारे गवाह हैं इस बात को लेके। पिछले दो बार, पिछले हफ्ते पैंथल में हमारे लोग, बाहर की कंपनियां आई हैं, हमारा सामान उन्होंने खुशबू ले लेके सूंघा और हमें बताया है कि इसका कितना कुछ मार्केट बन सकता है।
अब मैं एक ऐसी चीज आपको देने वाली हूँ, लेमन ग्रास हो गया, उस पे काम हो रहा है और आज की तारीख में 400-500 वो डब्बा 400-500 हम बेच चुके हैं, 250 से 300 रुपए का डब्बा है वो बेच चुके हैं। अब वो चल पड़ा, आज जो सुबह आज फौज ने मुझे मेरे से मांगा, मैडम हमें लेमन ग्रास लगाना है, कंटीनों पे रखना है, वो जो बोतलें आपकी कंटीनों में रखती है आर्मी की कंटीन में। आप यकीन मानेंगे कि जब मैंने अपने लड़के को फोन किया उसके पास खत्म हो गया, मेरे पास बेचने के लिए सामान नहीं है, लोग इतने आ गए। तो मैंने उसको ये समझाया कि अपनी ज्यादा औरतों को शामिल करो और हमारे पास जो कागज है जो हमारा पैकेट है वो और बनाओ, जब वो और बनेगा तो काम आगे चलेगा, ठीक है जी। अब मैं एक लास्ट में आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो पिछले कल मेरे हमने ऑफिस में दिल्ली से कुछ लोगों को बुलाया, दिल्ली में एक एक जगह का नाम है पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी मद्रास के पास है, ठीक है, मद्रास के पास है। अब मैं आपको बताती हूँ ये मगर
मशीन के अंदर, इसको कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कोई चींटी नहीं लगेगी। और ये पैकेट एक किलो चीकू आपका ज्यादा से ज्यादा 70-80 रुपए का वैसे बिकता है। ये पैकेट ही इसमें कितना चीकू है आप अंदाजा लगाओ, क्या वजन है? 50 ग्राम वजन है। यही 200 रुपए का बिकता है, ये 200 रुपए का बिकता है। और कहां बिकता है? एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे ये लोग हाथों हाथ ले जाते हैं कि एयरपोर्ट पे बिकता है, ठीक है। ये हल्दी है, ये भी हमारी अपनी ऑर्गेनिक हल्दी है। अदरक, अदरक पाउडर, ये औरतों ने पीसा है मद्रास में, औरतों ने इसको खुद से मशीन की मदद से पीसा है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। और आज जैसे वो लड़की ने जिसने एक्टिंग करी खरीदा, उसने कोई केमिकल वाला सामान नहीं ना खरीदा। तो क्योंकि कोरोना में ये गया, ये एक मैसेज गया है कि जिन लोगों की सेहत अंदर से अच्छी थी उनको कोरोना नहीं हुआ, तो लोगों के मन में अब ये बत्ती जल गई है कि अगर हम लोग अच्छे रहे तो बीमारी नहीं होगी। तो जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो देसी चीजें ढूंढ रहे हैं, और इसकी इतनी मार्केट है कि आप यकीन नहीं करेंगे। अमेरिका में कितने सारे डेथ्स हुए, वहां पर एक चल पड़ा है येलो मिल्क, गोल्डन मैजिक, येलो मिल्क मैजिक क्या है? हल्दी का मिल्क, हल्दी का दूध पिया लोगों ने कोरोना में। तो ये जो है, ये पैकेट्स आप लोग अपनी चीजों से आमदन उसकी बढ़ा लोगे अगर ये वाला काम करोगे। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि ये आप कंपनी के ऊपर मत जाना, ये कोई कंपनी का नाम नहीं है वैसे इसमें। अब आप बोलोगे कि ये पैकेट कैसे बनेगा, वो आप मुझे एक पैकेट दे रहे थे ना जिसके अंदर कुछ सामान था। देखो अभी मैंने एग्जीबिशन में देखा ऐसा पैकेट था, आप लोगों ने रखी है कुछ चीजें ऐसे पैकेट में रखी ना, ये खराब हो गए, बहुत देर पहले चले गए। मैंने अपनी छाबड़ियां बनवाई, जब तो छाबड़ियों में मैंने उनको बोला आप अपना सामान डालो, औरतों ने उसमें आंवला डाला ऐसे पैकेट में। जब आंवला डाला तो आंवला जब तक मेरे पास पैकेट आया सड़ गया, आंवला सड़ गया तो मेरा बिका ही नहीं। तो ये पैकेजिंग काम नहीं आती, ऐसी पैकेजिंग, ऐसी पैकेट, ऐसा पैकेट, इसका हम एक यहां पर यूनिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पैकेजिंग की यूनिट, ठीक है। जब हम इसकी पैकेजिंग की यूनिट लगाएंगे तो आप जो अपना सामान बनाओगे, अपने सेब, अपना चीकू, अपना स्ट्रॉबेरी, अपना वो बबू गोशा, अपने नाखें, जो भी लगाओगे उसको हम सोलर में ड्राई करेंगे, वो वापस लेंगे, ऐसी पैकिंग करेंगे और लोगों को बेचेंगे। ये एक मॉडल है जो मैं आज, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी। इसको जितने लोग समझ सकते हैं, इसको सोलर ड्राइंग कहते हैं। सोलर ड्राइंग मतलब सूरज की मदद से सुखा दिया। अब यहां बैठा जो भी इंसान इसमें काम करना चाहता है, अपने अपने लोग, अपने अपने समझने की कोशिश करो। इसको मोबाइल पे ढूंढो, मोबाइल पे सिर्फ व्हाट्सएप और यूट्यूब नहीं होता, और भी बड़ा कुछ होता है जिससे आप लोग फायदा ले सकते हो। इसको ढूंढो कि धूप से कैसे काम किया जाता है, पहले इसको समझो। और जो भी इसमें काम करना चाहता है वो चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, फिशरीज, जितने भी महकमे आज यहाँ पर है उनके पास आके उनसे मिले। हम लोग इस पे काम करने का रियासी में कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मुझे इस मेले में आके बहुत अच्छा लगा, ये मेला वाकई में होना चाहिए। मेरा अपना मानना यह है कि जब आप लोग बिल्डिंग्स, सड़कें, ये सब बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ सड़कों की कमी है, ये जरूरी है, मगर सबसे ज्यादा जरूरी है अगर इस कमरे में बैठा हुआ 300 बंदे में से 10 बंदे भी मेरे बात पर यकीन करके अपनी किसानी में थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें तो बहुत मुनाफा होगा, और वो मुनाफा किसान को होगा और किसी के लिए। थैंक यू सो मच।
दो लफ्ज आपके लिए मैं फिर से बोलना चाहता हूँ। जो भी कार्य जहाँ पे आप लोगों ने चलाए हुए हैं उनके लिए मैं रामदापोरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हाथ जोड़कर मैंने प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच प्रधानाई। हेलो, ये सारे फार्मर्स से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ी देर पहले अपने अपने सर्टिफिकेट लेते जाए प्लीज। अपनी जगह से थोड़ा और 10-15 मिनट मैक्सिमम हम आपका लेंगे। सुबह की बात चल रही थी, आटे की बात चल रही थी, मक्की की बात चल रही थी, तो इसी तरह से आप अपने बहुत सारे, जैसे हमारे कई लोगों ने मशरूम लगाई है, मशरूम का खाली वो पैकेट पैकेट नहीं देता, मशरूम का अचार भी होता है। हेलो, नहीं आ रही। तो जो किसान मेला है वो अब खत्म हो चुका है, तमाम जो किसान थे अब वापस जा रहे हैं, जिला आयुक्त भी वापस जा चुकी हैं। अब हम कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पे पहुँचे थे या अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की। फिलहाल हमारे साथ किसान तहरीक जिला रियासी के प्रधान सोहन शर्मा जी हैं, शिक्षाविद हैं और इसके साथ ही समाज के लिए कार्य करते रहते हैं, किसानों के लिए कार्य करते रहते हैं, किसान तहरीक के मौजूदा समय में जिले के प्रधान हैं। इनसे बातचीत करते हैं। किसान मेले का आयोजन किया गया था, एग्रीकल्चर एग्जीबिशन भी इसे कहा जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, आपके हिसाब से किस तरह का ये मेला था, क्या सही से आपको ठीक लगा यहाँ पे, जो जिस मकसद के साथ ये किया गया था क्या आपको लगता है कि वो मकसद पूरा हुआ है या कमियाँ भी देखने को मिली आपको? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि ये आज का जो मेला है, जो इसमें देखा, जो एग्जीबिशन देखी, तो मैं उसको देखकर बड़ा मुतासर हुआ हूँ और अपने किसान भाइयों को मैं आज के दिन की मुबारकबाद देता हूँ कि हमारा किसान डिस्ट्रिक्ट रियासी का फार्मर जो है वो कुछ नए, जो नए नए तरीके हैं फार्मिंग के, खेतीबाड़ी के, वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो उससे बड़ा है एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया है इसका, जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और ख़ासकर इनकी जो टीम है एग्रीकल्चर की, बड़ा काम कर रहे हैं। सही बताऊँ मैं आपको, जहाँ कमियाँ होती हैं वो हम हाईलाइट भी करते हैं। तो जहाँ तक है कि मेला बहुत सक्सेसफुल रहा है, बहुत अच्छा रहा किसानों है। किसानों के लिए लगातार आप मांग करते रहे हैं, चाहे मुआवजे की मांग हो, नई टेक्निक की मांग हो, उसकी भी बात आप करते रहे हैं। आपने यहाँ पे नया क्या देखा, ऐसी क्या चीज़ें देखी जो किसानों को हेल्प कर सकती हैं, कृषि के लिए उनका समय बच सकता है, उनकी मेहनत कम लग सकती है? ठीक है, एक तो देखिए ये टेक्नोलॉजी का युग है और ये टेक्नोलॉजी है, आस्ता आस्ता हमारे फार्मर जो है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अवेयरनेस की कमी थी लोगों में और थोड़ा सा ये जो टेक्नोलॉजी है अभी इतने लार्ज स्केल पर लोगों को मुहैया नहीं करवाई जा रही है। सब्सिडी हमने देखा, सब्सिडी दी तो सब्सिडी दी रही है लेकिन वो बड़ी लिमिटेड सी है ना। देखिए अगर इन्होंने कहा इस साल 12 ट्रैक्टर आए हैं तो 12 लोगों को ही मिलेंगे ना। अच्छा, ये कहने का मतलब जो है कि ये ठीक है नहीं, उसका कोई ऐसा सिस्टम हो, ऐसा सिस्टम कि जिससे सब लोग उसका फायदा उठा सकें, तो ये टाइम लगेगा लेकिन इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी बात है। ये जिला हेडक्वार्टर रियासी में इसका आयोजन किया गया था किसान मेले का। दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे थोड़े जागरूकता जो कैंप हैं वो कम होते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? ठीक है, क्या लगता है कि दूर दराज इलाकों से किसान यहाँ पहुँचा होगा? नहीं, आए हैं लोग, आए हैं, मैंने माहौर के देखे हैं, मेरी बात हुई है उनसे, कुछ हमारे जान पहचान के हैं। तकरीबन इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कवर करने की कोशिश की क्योंकि ये सिर्फ एग्रीकल्चर का था
अगर हॉर्टिकल्चर का भी होता तो, क्योंकि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा पहाड़ के इलाके में होते हैं तो और ज़्यादा लोग आ जाते थे, लेकिन फिर भी कोशिश की है, आए हैं, पार्टिसिपेशन देखा मैंने, अच्छी पार्टिसिपेशन हुई है, तो और इसको बढ़ाने की है। ज़रूरी नहीं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का छोटे छोटे अवेयरनेस कैंप जो हैं वो छोटी छोटी जगहों पर किए जा सकते हैं और करने चाहिए जी। शुक्रिया हमसे बातचीत, थैंक यू सर। तो ये थे किसान तहरीक जिला रियासी के प्रधान सोहन शर्मा जी, और जो एग्रीकल्चर विभाग के जिला अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको इन लाइव विजुअल्स के साथ छोड़े चलते हैं। ये विजुअल्स अभी आपको बता दें कि जो किसान हैं अब धीरे धीरे यहाँ से जाने लगे हैं, क्योंकि किसान मेले का समापन यहाँ पे हो गया है। जो तमाम स्टॉल्स लगाए गए थे वो भी सामान उनसे भी अब उठा लिया गया है और किसान मेला ख़त्म हो गया है। गंगा राम साहब भीरा राम रोपिया तो अभी भी कुछ किसानों को यहां पे सम्मानित किया जा रहा है। गंदर सिंह कमर सिंह आरोप शक्कत अली जमालदीन उदन श्री गंगाराम गंदर सिंह सना कमल सिंह धूम से चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर रविंदर जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। किस तरह से इस पूरे मेले का आयोजन किया गया था और कौन कौन से विभागों द्वारा यहां पे प्रदर्शनियां लगाई गई थी और क्या क्या दर्शाने की कोशिश की गई थी? देखिए ये जो आज का ये किसान मेला रियासी में लगा, ये हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मेला लगाया गया था और इसका मकसद ये है कि हम सभी डिपार्टमेंट्स जो एग्रीकल्चर के एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, सेरिकल्चर है, फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री है, शीप हस्बेंड्री है, ये सब डिपार्टमेंट एक अम्ब्रेला के नीचे आए कि जो फार्मर जैसे कि उसको अपने गांव में जाने के लिए वो अलग अलग डिपार्टमेंट से मिलना नहीं चाहता, उसके बाद मिल नहीं सकते, लेकिन यहाँ एक अम्ब्रेला एक छत के नीचे सभी डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में उसको पता चलेगा। और दूसरी चीज़ है, जब फार्मर अलग अलग इलाकों से आते हैं, आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा क्या कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, वो सीख अपने एरिया में ले जाता है। दूसरी चीज़ हमने क्या की कि हमने यहाँ मशीनरी लगा दी, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की इस साल से शुरू किया है कि मशीनरी अब कोई भी मशीनरी होगी वो फार्मर खुद खरीदेगा, हम डिपार्टमेंट नहीं खरीद के देंगे, सब्सिडी मिलेगी उसको, जितना भी उसमें सब्सिडी कंपोनेंट होगा वो खुद खरीदेगा, हम उसके खाते में वो कंपोनेंट डालेंगे, पैसा डालेंगे, और वो भी आज हमने मशीनरी दी ताकि अगर उसको जरूरत हो कोई वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है और वहाँ पर वो खरीद सकता है। इस बार ही भी मैं अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमीशन डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम इस साल 25 थ्रेशर 25 पंचायतों में फ्री दे रहे हैं और ट्रैक्टर भी दे रहे हैं, जिसका कि एलजी साहब अभी इनॉग्रेट करें, उनका मकसद जो है 500 ट्रैक्टर पूरे जे एंड के में बांट रहे हैं।
ये उनका मकसद है, उसके लिए हम भी काम कर रहे हैं। ट्रैक्टर फ्री दिए जाएंगे, ट्रैक्टर 2 लाख सब्सिडी, एक ट्रैक्टर पर 2 लाख की सब्सिडी दी जाती है। दूसरी चीज़ें ये हैं कि हमारा मकसद, यहाँ पे सवाल ये कि कुछ किसी से हमने बात भी की, उन्होंने कहा ट्रैक्टर सब्सिडी तो दी जाती है लेकिन उसकी जो लिमिट होती है काफ़ी कम क्वांटिटी में, जैसे जिले में 12-15 लिमिट होती है, वो नहीं बढ़ाई जा रही। मैं आपका एक चीज़ और बताऊंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहले एक ट्रैक्टर आता था, पहले एक ट्रैक्टर था, लेकिन अब इस साल प्रिंसिपल सेक्रेटरी की मदद से 12 ट्रैक्टर आए हैं और भी मुझे उम्मीद है 3-4 और ट्रैक्टर आ जाएंगे। ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि इतने ट्रैक्टर एक साथ आए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में, क्योंकि डिपार्टमेंट का मकसद है फार्म मैकेनाइजेशन की तरफ, और फार्म मैकेनाइजेशन में अगले साल और भी ट्रैक्टर आ जाएंगे और भी मशीनरीज आ जाएंगी, ये हमारा पक्का वादा है फार्मर से। क्या लगता है जो उम्मीद थी आपको कि किसान जितने पहुँचेंगे यहाँ पे पहुँचे हैं और उन्हें जागरूक हुए हैं, जो भी बताने की कोशिश की गई है क्या उन्हें प्राप्त हुआ है? देखिए, मेरा हमारा मकसद है फार्मर को यहाँ तक लाना, घर से बाहर निकालना, घर से बाहर जो निकलता है उसको ही वो यहाँ आ सकता है, वो घर से निकला ये बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ आया कुछ ना कुछ सीखे जाए। और अगर इस मकसद में हमारे पास 500-600 फार्मर यहाँ आए थे, अगर उसमें हमारे 100 फार्मर भी ट्रेंड हो जाए, 100 फार्मर भी सीखे जाए और अलग अलग इलाकों में चाहे जाए, हमारा मकसद पूरा हो गया। क्योंकि मकसद है हमारा कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो गाँव तक पहुँचे, और वही मकसद है इस मेले का भी। जितनी गति से टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए किसानों को, क्या अपना रहे हैं या फिर परंपरागत तरीके ही अपना रहे हैं? क्या लगता है जो बदलाव होना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी को अपनाने की गति होनी चाहिए, वो है जिला रियासी की खासकर बात करेंगे या फिर आप विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में रहे हैं इस विभाग में वहाँ पर? देखिए, मैं आपको ये बताऊँगा कि हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर की बहुत डेवलपमेंट हुई है, ये मैं दावे से कहता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ बहुत पहले भी नौकरी की है। यहाँ पर आज हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मक्की का बीज बहुत एडवांस मक्के का बीज दे रहा है, गंदम का बीज ज़्यादा दे रहा है, पहले प्रोडक्शन कम थी, प्रोडक्टिविटी कम थी, अब बढ़ गई है, सब्जी का काम बहुत हो गया है और ऑर्गेनिक की खेती हो रही है, लेमन ग्रास हमारा शुरू हो गया है। कि मुझे लगता है कि फार्मर हमारा अडॉप्ट कर रहा है नई चीज़ें, जो हमने उसको बताई, जो हमने सिखाई उसको चीज़ें, उसका फल अब निकल रहा है कि फार्मर अब खेती की तरह जुड़ रहा है और फार्मर चाहता है कि मैं नई खेती करूं मैं अब, ताकि मेरी आमदनी बढ़े और नए नए चीज़ कर रहा है। मैंने बहुत से फार्मर ऐसे देखे हैं, मशरूम की तरह बहुत से फार्मर जुड़ रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं, मधुमक्खी पालन से लाखों रुपया कमा रहे हैं, इवन लेडीज़ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से यहाँ पर लेडीज़ बहुत आगे आ रही हैं कि हमें मशरूम करना सिखाओ, क्योंकि ये गर्म है, उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है, खेत नहीं होना चाहिए खेत। हमारे यहाँ फार्मर ने केसीसी के लिए, हमने 100% केसीसी कवरेज किया, लाखों रुपया लोगों ने लोन लिया यहाँ से ताकि उनकी खेती में सुधार हो जाए। पीएम किसान के मिले, हमने बहुत जितने भी हमारे पीएम किसान आए हैं अभी तक सब फार्मर को हमने पैसा 2000-2000 रुपया उनके खाते में चला गया है। यही डेवलपमेंट है फार्मर की, कि जब फार्मर को पता चलता है मुझे डिपार्टमेंट से कुछ मिल रहा है, वो प्रगति चाहता है अपनी, और वही प्रगति की राह पर हमारा रियासी का जमींदार है। लगता है युवा भी कृषि से जुड़ेंगे? यस, आपको मैं बताऊंगा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर को तभी एक मकसद है कि हमारा फार्म मैकेनाइजेशन, क्योंकि जमींदारी ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो उसको बहुत तकलीफ होती है, मैकेनाइजेशन ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा। आज हमारे पास पावर टिलर हैं, पावर स्प्रेयर्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, छोटे बड़े ट्रैक्टर्स हैं, ये सब चीजें उसको। मिनी ट्रैक्टर की अगर बात करें तो वो हमने बाहर भी देखा, लेकिन यहाँ पे जमीन में पत्थर भी होते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम भी, इसीलिए हम पावर टिलर की बात कर रहे हैं। जो पहाड़ी इलाकों में पावर टिलर जरूरी चलता है, क्योंकि प्रदर्शनी में दिखाया गया आपको, और हमने यहाँ पर अभी तक कम से कम 15-16 पावर टिलर बांट भी दिए हैं, और हमारा टारगेट कोई 70-80 का रिस्पांस किस तरह का? बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है, क्योंकि ऊपर लास्ट तक चसाना तक चाना तक के फार्मर, मोहर तक के फार्मर वो ले चुके हैं, और मैंने खुद अपने हाथों से देखा है कि वो फार्मर लगाता है और कहता है जी मैं डबल, उसके दो फायदे हैं उसके, एक तो अपनी जमींदारी के लिए काम करता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट के लिए भी करता है। खर्चा कहीं ज्यादा तो नहीं होता उसका? नहीं, उसका सिर्फ तेल का खर्चा है, बाकी वो एक लीटर तेल एक कनाल, दो कनाल में, 10 कनाल में वो काम कर जाता है। तो सब्सिडी भी दी जा रही है? सब्सिडी भी दी जा रही है उसको। इसलिए मैं जमींदार भाई आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश जमींदार से इतनी गुजारिश करूंगा कि आप मेहरबानी करके जो भी मशीनरी आपको चाहिए आप एप्लीकेशन तो कम से कम हमको देके रखिए, जब भी हमारे पास आएगा हम आपको खुद कॉल करेंगे उसके लिए, भैया हमारे पास ये आई है आप आजिए। लेकिन जमींदार हमें सिर्फ बोलता जी मुझे चाहिए, हमें उस टाइम याद नहीं रहता कौन जमींदार आया। इसलिए हम जमींदार को रिक्वेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म अपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट जो आपके पंचायत लेवल पर है,
एईओ जो आपके उस पर है सब डिविजन लेवल पर एप्लीकेशन दे के रखिए, हम नंबर लगा देंगे उसका, जिस हिसाब से आता जाएगा उस नंबर से उसको बुलाते जाएंगे, उसको सब्सिडी कंपोनेंट देते हैं। ये कैंप तो जिला हेडक्वार्टर रियासी में लगाया गया, लेकिन दूर दराज इलाकों में कम दिखते हैं अधिकारी। हमने कोशिश की है कि आगे से ये एक मकसद रहता है एक्सेसिबिलिटी एरिया हो, हम कोशिश करेंगे, आपका बहुत बड़ा अच्छा सुझाव है कि हम इसको फार फ्लंग एरियाज में भी ले जाएंगे, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी हम छोटे छोटे कैंप जो छोटे छोटे कैंप होते हैं फार्मर और साइंटिस्ट के बीच इंटरेक्शन, ये हम छोटे छोटे इलाकों में कर रहे हैं ऑलरेडी। हमारी किसाना जैसे इलाकों में किसाना में भी हमारा फार्मर फील्ड स्कूल चल रहा है, किसान गोष्ठियाँ होती है, फार्मर साइंटिस्ट इंटरेक्शन होता है, मोहर में, मतलोद में, पोनी में, संगड़ में, इधर पैंथल में, सब जगह ये छोटे छोटे कैंप, क्योंकि इतना बड़ा मेला ऑर्गेनाइज करना एक जगह ही हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे फार्मर के साथ हम छोटे छोटे कैंपों की तरफ से जुड़ जाते हैं। शुक्रिया हमसे, थैंक यू। तो ये थे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर रियासी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताया। तो कोशिश करेंगे कुछ और अधिकारियों या फिर किसानों से भी बात करने की, आप बने रहें इस लाइव वीडियो के साथ। साथ हैं जिन्हें अभी सम्मानित भी यहां पे किया गया है, वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे।
क्या नाम आपका है, कहाँ आप रहते हैं? मेरा नाम रमेश लाल, मैं डोगरी बोलना। ठीक है रमेश, तुंदा नाम कुद्धर दे रोने वाले? ए सूल दे रोने वाले, यूनिवर्सिटी दे करने जिला सूल ग्रा ना नारायणा हॉस्पिटल दे ऊपर कटकियाल यूनिवर्सिटी ओदे करने सूल दे तो रोने वाले। केदी केदी खेती करने होने तुस? अस हर खेती करने आ, एक असि नमक गै लैना पौंदा, हल्दी दी भी करने, अदरक दी, मतलब हर चीज दी आइटम, लसन वगैरह, प्याज, मूली, हर चीज लानी जी। गोभी दो किस्म दा अस लाया होंदा, बंद भी फुल भी, ते गन्ना भी लाया असें। ठीक ठीक, गुड़ भी कटने होने? बिलना रखे जोगे आला, पुराना स्हाबे सिस्टम रखे जो दांदे आला, ओह्दे कन्नै गुड़ बेल बनाने, अस ओह्दे शुगर कोई नहीं होंदी। आखदे डाक्टर आखदे देसी गुड़ खाओ, शुगर नहीं होंदी ओह्दे कन्नै। लोग करियै राजी गै नहीं, अज्ज कम्म गै नहीं करदे हैन। में लख खंड रुपये का गुड़ हर साल बेचना, एक लख का गुड़ बेचना। कुद्धर जन्ने होने, केड़ी मार्केट? घरा लेई जंदे सर, घरों लेई जंदे बंदे, आनी बंदे घर आंदे लेने वास्तै। जेकी सब्जी तुस कटने होने राने होने, ओह कुद्धर बेचो? ओह साडी यूनिवर्सिटी कोल उसे मार्केट उसे लगी दी, किश घरा लेई जंदे बंदे आनी, देसी सब्जी अस देसी गोहा पाने आ ज्यादा। आर्गेनिक, जेका इधर नाटक भी होया कि आर्गेनिक खेती करो, तुस आर्गेनिक खेती करो? बिल्कुल 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 जी, अस बर्मी कम्पोस्ट दी खाद ज्यादा वरतने। अठ डंगर रखे दे में, दो दांद रखे दे, एक गौ रखी दी, एक मैं रखी दी, उंदे चार निक्के निक्के बच्चे न, ते दो बकरियां भी रखी दी, सूई एक सूने वाली, एक सूई दी, ते गन्ना भी लाया। हर हर खेती करनी, अज गोभी, बंद गोभी, कड़म बगैरा, गोंगलू, मूली और प्याज, ते बाकी और जेड़ा असें दूए मौसम दे बिच हर चीज लाने। ठीक है, अज तुसें ये सर्टिफिकेट भी तुसें दित्ते दा है, एग्रीकल्चर विभाग ने तुसें सम्मानित किया? हां जी, एग्रीकल्चर दी मदद करनी असें, सब कुछ मिले उन्हें कीता, उन्हें हो गया साल गुजर। मैं टींगरी भी लगाई दी, टींगरी दा प्लान लाया कोई 300-400 लफाफा। हां जी टींगरी, ते ए टेक्नोलॉजी की गल आ दी कि जेकी लेटेस्ट मशीनरी है वो भी इस्तेमाल की जा, तुस करने होने कोई लेटेस्ट मशीनरी? फिलहाल हाली नहीं करा दे, असं अभी पुराना का सिस्टम करा दे। अच्छा। योग रखी दी नहीं होना भी बाद दिखी लगनी, नमी नवा भी चलाई लैनी। बच्चे इंटरस्ट दसते, उनका इंटरस्ट है खेती तरफ या नहीं करते? खेती तरफ वो घट गै करना उन्हें जी। मैं गल है, मैं पहले शुरू शुरू चाह पहले जेसीबी पाई दी एक मुड़े की, जेसीबी खेती करियै कम करियै मेहनत करियै मैं जेसीबी पाई दी, ते गल है भी ओ हून उस मुड़े ने फिर कम किया, अगर बाधा पाया दो ही ले ली, फिर दुए मुड़े भी एक पाई दी, त्रै जेसीबियां ने मेरिया इसलै मुड़े दया कम करा दे, मैं अपना कम करना, मैं खेती नहीं। वो बच्चे आखदे कम छुड़ी दियो, तुस हून केह् करदे, 63 साल उम्र होआ दी, हून केह् करना कम करियै? मैं तो चुप करियै बेही जाओ, मेरे गोडे कोई जुड़ी जाने, ते मैं कम करा ना, तुसें कुछ मिला दा गै ना, मेरे कोला कुछ मिला दा, ते तुस भी सिक्खो ते करो कुछ कम, ते करदे हो जेल्लै घर आंदे ते मदद करदे हो। हाँ जी हाँ जी, घर मजा आंदा खेती करने? हाँ जी मजा आंदा खेती, बड़ा मजा आंदा जी, इन्ना आनंद आंदा भी, इन्ना आनंद भी, असीं शौकिया खेती करने, घाटा वाधा नहीं दिखदे, इन्ने पैसे ला के असीं फायदा होग बिल्कुल नहीं दिखदे। असीं महकमे तरफ दा ये साहब साढ़े चीफ साहब गए, सारे अफसर गए जिन्ने भी हैं, SDF साहब, AEO साहब और रैणा साहब और बाकी डिपार्टमेंट के जिन्ने अफसर हैं सारे जंदे, बड़ी मदद करते साड़ी, इंदी तरफ दा असीं बड़ा बड़ा धन्नवाद है। इंदे कोला खेती सिक्खी में 40 साल होए सब्जी दा कम करदे। हां जी इंदे कोला सिक्खी ते अज अच्छी खेती कराने ते अज सम्मान भी तुसें थोया, ते कदे घाटा भी पौंदा कोई मौसम दी मार केई बार? जी घाटा पई जांदा, हुण घाटा वाधा दिखना ना, फिर खेती नहीं चलदी है। वैसे अच्छे असें उसी घाटा वाधा ही नहीं दिखिया, असीं घाटा वाधा ही नहीं दिखिया, असीं इह दिखिया भी कम करना, फायदा देने वाला उपराला दिंदा दिंदा, असीं घाटा कदें होया गै नहीं। हुण जिहड़े आखदे लोग मंकी जांदे, फसल नहीं लगदी, वो भी नहीं लगदा, वो भी नहीं लगदी। मंकी दे गल दा चेता आया कि मंकी दी इक बड़ी समस्या ते है ना? बड़ी समस्या, बड़ी समस्या, ओहदे उपर ध्यान की नहीं दिया? ओहदा ध्यान मतलब कि दिया दे लोग चार के करदे, पिछे हटांदे गै नहीं। अजकल मुड़े अजकल बच्चे अजकल जिसी मंकी आंदे उसी हर चीज लगदी, नींबू घाह लगा दा अजकल, दूआ नंबर हल्दी लगदी, उसी मंकी नहीं खंदा, अदरक की मंकी नहीं खंदा, कचालू भी नहीं खंदा, मर्ची की नहीं खंदा, ते दूआ नंबर वो लगदे के रखदे उसी भैन जी चेता भुला दा, भिंडी, भिंडी की मंकी नहीं खंदा, फुल लाओ फुल बाजार बिकदे मंकी नहीं खंदा, जरूरी थोड़ी है मंकी, मंकी खाने आह्ली चीज़ लगे, वो समान बेचियै तुस आटा बाजार लेई सकदे। अस 50,000 दा समान बेचियै 50,000 दा आटा पा दा ओह घर, तुसें साल भर खाइयै नहीं मुकदा। लोग आखदे नहीं जी हुण असीं कणक ते मक्कां खानी, कणक मक्कां कुत्थूं खानियां, कणक मक्कां नहीं होन, जेहड़ी चीज़ नहीं खंदे मंकी ने उसी लाओ ना,
पर लोकें करना पौंदा इन्हें किसानें इन्हें किसानें ओह् इ'यै आखना भी जेह्ड़ी चीज बंद नहीं खंदे ओह् चीज लाओ कन्नै ओह् तुं'दी आह्ली साइड फुल्ल भी होंदे न हां जी फुल्ल भी होंदे हां जी हां जी लोक कमांदे उत्थुआं ही फुल्ल लाइयै भी पैसे कमांदे ना फुल्ल में लाए दे होंदे जी में फुल्ल भी लाना में कम से कम इस साल लाकडाउन की वजह कन्नै में फुल्ल नहीं लाया मैं पिछले साल में 33,000 का फुल्ल बेचा माता वैष्णो मेरे सप्लाई होता बंदा आंदा में गड्डी चाढ़ना वह बंदा सामभी लैंदा अगर रमेश ना आता उत्थे रहिंदा चंबे च वो वाला अगर हार बनाइए बेचता तो मैं 30-32,000 का फुल्ल था यह लाकडाउन की वजह कन्नै हून लाया गै नहीं असें इस बारी हून अगड़ा दिक्खनी आ भी कोई बीज रखे दा मैं बीज नहीं गुआंदा है हाँ जी शुक्रिया तो ये एक खुशहाल किसान थे जिन्हें आज सम्मानित भी किया गया है और आपको बता दें कि खेती ये करते हैं और काफ़ी खुश हैं ये खेती करकर खेती के काम से कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे जिनको सम्मानित किया आप भी किसान हैं आज सम्मानित किया गया बिल्कुल बिल्कुल कहाँ आप रहते हैं और क्या क्या खेती आप करते हैं हम पौनी में रहते हैं मेरी कान्हा पंचायत है अब मैं ऐसे तो कणक मक्की वगैरह भी लगाता हूँ लेकिन सब्जियों का ज़्यादा शौकीन हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं सब्जियों में जो बांदरों को बिल्कुल वो बांदर नहीं खाते हैं जैसे मैं हल्दी लगाता हूँ अदरक लगाता हूँ ये आप मजबूरी में लगानी पड़ रही हैं क्योंकि ये बंदर नहीं खाते या फिर यही आप पहले लगाते नहीं नहीं मेरा इरीगेटर रखवा है और मैं हर चीज़ पैदा करता हूँ घर से ही एक नमक लेता हूँ और शुगर लेता हूँ बाजार से बाकी मेरा एक सवाल ये भी है ना कि बंदरों की समस्या है तमाम किसान चिल्लाते भी रहते हैं मांग को उठाते रहते हैं कि बंदरों को पकड़ा जाए लेकिन विभाग उस तरफ ध्यान नहीं कहीं ना कहीं देखा तो ये आपकी क्या मांग रहेगी कि बंदरों पर भी उनको पकड़ा जाए ताकि अच्छे से खेती किसान कर सके नहीं अगर हम खेती को थोड़े से कन्वर्ट कर दें चेंज कर दें दूसरी आइटम चले जाएं चावल और मक्की और कणक के बगैर तो सब्जियां कुछ ऐसी हैं जिनको और कॉस्टली चीज़ें हैं वो जिनको के बंदर बिल्कुल टच नहीं करते हैं जैसे सब्जियों में भिंडी है करेला भी है वो भी नहीं खाते हैं थूम है प्याज को भी इतना नहीं खाते हैं और प्लस हल्दी है अदरक है इतना कॉस्टली बिकता है हम उस तरफ जाते ही नहीं हैं सिर्फ बंदरों की शिकायत ही करते हैं मैं तो में ये तमाम सब्जियां या अदरक ये थोम हाँ। जो आप कह रहे हैं ये सब उगता है और बिल्कुल उगता है हाँ मैं खुद तैयार करता हूँ घर में और अपने मोहल्ले को भी कहता हूँ भाई ये बंदरों की तरफ से अगर छुटकारा पाना है तो सब्जियों में चले जाइए और सब्जियाँ कीमती बिकेंगी उससे हमें दूसरे गाँव से जहाँ बंदर नहीं होंगे वहाँ से हम आटा चावल वगैरह ले आ सकते हैं तो मौसम की मार का भी कई बार घाटा मौसम की मार का पड़ता है कभी कभी उसमें फिर गवर्नमेंट ने इसीलिए इंश्योर करके रखा है इंश्योरेंस इंश्योरेंस हाँ इंश्योरेंस है कि हमें वो मिल जाएगा लेकिन उसका भी बचाव हमें पॉलीथीन हाउस वगैरह वो जो बनाना है पॉली हाउस वो बना के अगर रख लें तो उससे भी बच जाते हैं उसके लिए बच्चे भी खेती करते हैं क्या बच्चे सर्विस कर रहे हैं बच्चे खेती नहीं कर रहे हैं लेकिन मैंने उनको खेती के लिए तैयार करके भेजा है नौकरी में अगर आएंगे तो खेती जरूर करेंगे हाँ खेती में खुशहाल किसान अपने आप को खुशहाल मैं 40 साल नौकरी करने के बाद खेती में बड़ा और बड़े अच्छे तरीके से मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ और एक बादशाह की तरह लाइफ अपनी व्यतीत कर रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियली भी अच्छा आपको फाइनेंशियली भी मैं ठीक हूँ फाइनेंशियली खेती से अच्छी इनकम हाँ अच्छी इनकम है मेरे चलाने के लिए अपना परिवार को खिलाने के लिए मैं अकेला जो है उनको बोलता हूँ कि आप खेत में मत आइए क्योंकि आज ऐसा युग हो गया है कि खेती बाड़ी पहले परिवार के तरीके से होती थी अब परिवार का तरीका छोड़ रहा है अब साइंसी युग आ गया है औजार आ गए हैं जिससे कि एक आदमी भी खेती बाड़ी चला सकता है साइंस का युग आया तो आपने भी अपनाया हाईटेक जो मशीनें औजार आए हैं क्या आप भी अपनाते हैं या आप अभी उस तरफ नहीं गए नहीं नहीं मैं उस तरफ गया हूँ बिल्कुल और उसी से ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ही उनसे ही खेती बाड़ी कर रहे हैं आसान हुई है थोड़ी हाँ बिल्कुल आसानी है बड़ी आरामदारी एक आदमी खेती को चला सकता है 30 कनाल मेरे पास खेती है मैं अकेला ही उसको चलाता हूँ शुक्रिया हमसे बातचीत करने थैंक यू तो ये एक और खुशहाल किसान थे जिन्होंने कहा कि काफ़ी मज़ा आता है उन्हें खेती कर और आर्थिक रूप से भी उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है खेती से तो फिलहाल इस किसान मेले से इतना ही रियासी जिले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति धन्यवाद